आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं आहुजा के EHC-10XT चोंगे का ये उपकरण है जिसको आप गाड़ी में लगा सकते हैं। इसकी RP 1090 रुपये दी गई है। इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कॉमन 100 वाली लाइन में लगेगा ये। इसको खोल लेते हैं। और ये हमारा मेन चोंगा छोटा वाला, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं इसका। खोल लेते हैं इसको। ये ऐसा दिखता है सामने से। आहुजा की ब्रांडिंग दिखी है सामने। ये हैंडल टाइप का दिया है जिसमें आप नट वट फंसा के लगा सकते हैं। और हम इसको 5 वाट, 10 वाट, 2.5 वाट, 1.5 वाट बना सकते हैं। 5 वाट नहीं, 7.5 वाट बना सकते हैं। और ये वायर दी गई है जिससे हम कनेक्शन करेंगे। अब इस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने एम्पलीफायर से, जिसको मैंने पहले ही कॉमन सॉ में कनेक्ट किया हुआ है। क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसलिए कॉमन सॉ में कनेक्ट होगा। और अच्छे से टेप लगा लेते हैं। हमेशा टेप लगाने में गड़बड़ होती है तो हमेशा ध्यान से टेप लगाएं। बहुत सारे लोग टेप अभी भी यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा टेप यूज़ कीजिए। टेप को थोड़े अच्छे से लगाएं ताकि ये जल्दी ना खुल पाए। अगर ये खुल गया तो शॉर्ट होने का ख़तरा भी रहता है। मैं इसे अच्छे से लगा देता हूँ। एक साइड हो गया, मैं दूसरे साइड भी वैसे ही टेप लगा देता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा टेप यूज़ करता हूँ ताकि कभी भी मेरे को शॉर्ट होने का ख़तरा ना लगे। भले टेप थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो जाए लेकिन शॉर्ट नहीं हो जाना चाहिए। शॉर्ट होने से हमारा कोई भी सामान का नुकसान हो सकता है, चोंगा उड़ सकता है या एम्पलीफायर में कुछ फॉल्ट आ सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा टेप ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कॉमन 100 में कनेक्ट किया हुआ है एम्पलीफायर से। बस दो ही वायर आएंगे, कॉमन और 100। थोड़ा जूम कर लेता हूँ और हम इसको चला के भी देख लेते हैं कि कैसे आवाज़ आ रही है इस हॉर्न से।